नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कृतिका। पेरिस में हिना खान ने रखा रोजा, गिफ्ट में मिली ये खास चीज। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान हर साल रमजान के महीने में रोजा रखती हैं, लेकिन इन दिनों हिना पेरिस में अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी है। काम से समय निकालकर हिना ने अलविदा के दिन का रोजा रखा। बता दें कि अलविदा रमजान के महीने के आखिरी जुम्मा को कहते हैं, जिसका मतलब रमजान के महीने की विदाई होता है। हिना ने इंस्टा स्टोरी के जरिए अपने फैंस के साथ रोजे का अनुभव शेयर किया है। हिना ने बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने पेरिस में रहकर अलविदा जुम्मा का रोजा रखा है। बता दें कि हिना ने पेरिस में 18 घंटे का रोजा रखा है। इतना ही, ये भी बता दें कि इतना लंबा रोजा रखना हिना के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने रोजा रखा है। हिना के रोजा रखने पर उनकी टीम की एक मेंबर ने उन्हें गिफ्ट में चेरी टोमेटो दिए हैं। रोजे में ये खास गिफ्ट पाकर हिना बहुत खुश दिखाई दी। बता दें कि हिना खान इन दिनों पेरिस में बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल और अपनी टीम के साथ एंजॉय कर रही हैं। हिना लगातार अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करती रहती है। बीते दिनों हिना ने पेरिस के एफिल टॉवर के साथ अपनी एक सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वही दूसरी फोटो में हिना एफिल टॉवर के आगे पोज देती दिखाई दी थी। इस फोटो में हिना के साथ रॉकी और उनकी पूरी टीम के लोग भी दिखाई दिए। वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में हिना खान ने कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर धमाकेदार डेब्यू किया था। हिना ने कांस में अपनी अपकमिंग डेब्यू फिल्म लाइन्स का पोस्टर भी जारी किया। इस फिल्म में हिना कश्मीर की साधारण सी लड़की का किरदार निभाती दिखाई देंगी। ये फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है। वही पिंक विला की रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइन्स के अलावा हिना की एक दूसरी फिल्म भी आने वाली है। हिना की इस फिल्म का नाम विशलिस्ट है। खबरों की माने तो हिना ने इस फिल्म के लिए शूटिंग भी शुरू कर दी है। इस फिल्म का डायरेक्शन राहत काजमी कर रहे हैं। इस फिल्म में हिना खान यूके बेस्ड एक्टर जितेंद्र राय के साथ रोमांस करती दिखाई देगी। बहरहाल, आप हिना की इन फिल्मों को लेकर कितना एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।